हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। मैं शालिनी दयाल। आज हमारा टॉपिक है म्यूजिक का तानपुरा। तो तानपुरे के बारे में आप सभी ने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे तानपुरा। तो तानपुरा कैसा वाद्य है? तानपुरा तत्ववाद्य की श्रेणी में आता है। तो तानपुरे में कितने तार होते हैं? तो हम बता देंगे, तानपुरे में चार तार होते हैं। ठीक है, और तानपुरे में पर्दे नहीं होते हैं। तानपुरे में पर्दे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि हमारा तारों का सिस्टम, तार किस तरह से मिलाए जाते हैं। ठीक है, यहां देख लेते हैं हम। पहला तार, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला तार कौन से स्वर में मिलाया जाता है? पहला तार प में, पहला तार प में मिलाया जाता है। ठीक है, किसी राग में अगर प वर्जित है तो वहां हम म में मिलाएंगे, और किसी राग में अगर प और म दोनों ही नहीं है तो वहां हम नी में मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला तार, पहला तार या प्रथम तार। ठीक है, वही हम दूसरा और तीसरा तार किसमें मिलाएंगे? मध्य स में। ठीक है, इनको हम जोड़ी का तार भी कहते हैं, जोड़ी का तार, जोड़ी के तार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, वही हमारा चौथा तार सा में मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए तार की व्यवस्था, यानी कि तार मिलाने की व्यवस्था या विधि मान लो। तो पहला तार हमारा मंद्र प में, और दूसरा और तीसरा तार हमारा मध्य सा में, और चौथा तार हमारा मंद्र सप्तक के सामने मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम तारों के बारे में ही जानेंगे। उसके बाद प्रथम तार, प्रथम तार जो होता है हमारा, प्रथम तार स्टील का होता है, यानी कि ये मान लीजिए प्रथम यानी कि पहला, दूसरा यानी कि पहले जो तीन तार होते हैं वो हमारे स्टील के ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, और चौथा तार हमारा, चौथा तार हमारा पीतल का होता है। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे तानपुरे की परिधि कितनी होती है। ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, वो आपसे पूछ लेंगे कि तानपुरे की परिधि कितनी होती है।
कानपुरे की परिधि तो कितने सेंटीमीटर होती है? कानपुरे की परिधि 90 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर। और वही तानपुरे की पूरे तानपुरे की लंबाई कितनी होती है? तानपुरे की लंबाई 150 सेंटीमीटर होती है। 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसके अंग पढ़ेंगे। अंग कोई इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन हम फिर भी जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ उनके नाम हम जान लेंगे। जैसे कि तुम्बा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि तुम्बा किस चीज का बना होता है, तो तुम्बा कद्दू का बना होता है। तानपुरे का जो तुम्बा होता है वो कद्दू का बना हुआ होता है। ठीक है, वही दक्षिण में, जो दक्षिण में तानपुरा होता है वहां तुम्बा जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है दक्षिण में लकड़ी का होता है। ठीक है, अब आता है ब्रिज। ठीक है, ब्रिज क्या होता है? ब्रिज घोड़ी या जिसे हम ब्रिज को हम घुड़च भी कहते हैं, जो कि किस चीज की बनी होती है? वो हड्डी की बनी हुई होती है। ठीक है, हड्डी की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद होता है इंपॉर्टेंट गुलू। गुलू गुलू क्या होता है? ये जहां डांड और तुम्बा जुड़े होते हैं, जहां डांड और तुम्बा आपस में क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं। अब मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो तानपुरे से ही बनते हैं और हमारे एग्जाम में भी आते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेंगे कि तानपुरा किस श्रेणी का वाद्य है, तो आप बता देंगे जैसे कि तानपुरा किस श्रेणी का वाद्य है, तो आप बता देंगे कि तानपुरा तत्ववाद्य की श्रेणी का
वाद्य है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि तानपुरे का प्रथम तार कौन से स्वर से मिलाया जाता है, या दूसरा और तीसरा जो जोड़ी का तार होते हैं उसकी क्रम संख्या बताइए। ठीक है, तो आप बता देंगे कि दूसरा और तीसरा जोड़ी का तार है, उनकी क्रम संख्या दूसरा और तीसरा है, चौथा तार पूछ लेंगे। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। दूसरा वो पूछ लेंगे कि तानपुरे की परिधि कितनी होती है, तो आप बता देंगे कि 90 सेंटीमीटर होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन होगा कि तानपुरा के जो चार तार होते हैं उनके नाम बताइए, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे ए बी सी डी होता है ना, तो जैसे पहला आपको ऑप्शन दे दिया प स स और लास्ट में आपको कुछ भी दे दिया जैसे म दे दिया। ठीक है, सेकंड